साथ से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे। 11 बजे सबसे पहले कनॉट प्लेस जाएंगे, जहां पर हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। 1 बजे पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। शाम को 2 जगह रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में मतदान 25 मई को होना है। आम आदमी पार्टी 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 3 पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के साथ दिल्ली में आपका गठबंधन है, मतलब अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में प्रचार के लिए 12 दिन बचे हैं। आम आदमी पार्टी देश में 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पर मतदान हो चुका है जहां केजरीवाल प्रचार नहीं कर पाए। दिल्ली के अलावा पंजाब की 13, हरियाणा की 1 सीट पर केजरीवाल के पास प्रचार का मौका है। देखना होगा कि इन सीटों पर वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे। और वहीं तिहाड़ जेल से बाहर आकर बोले अरविंद केजरीवाल, आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना है। देश ने कभी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की। इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। और इस बीच अमित शाह का बयान सामने आया, 2 जून को केजरीवाल को करना पड़ेगा सरेंडर। सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है, खड़गे बोले कोर्ट ने राहत दी है, सरकार अब गलती नहीं करेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को मिली जमानत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ प्रचार के लिए जमानत है, उन्हें 2 जून को फिर से सरेंडर करना होगा। प्रचार करने के लिए टेम्पररी जामीन है, 2 तारीख को इनको सरेंडर करना। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। इलेक्शन है और इलेक्शन के वक्त उसको उठा लेके गए थे, कम से कम अब कोर्ट तो ये रिलीफ दिया है और आइंदे ऐसी गलती सरकार नहीं करना। ईडी ने शराब घोटाले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल किया है। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नाम को लेकर सस्पेंस है। शराब घोटाले में ईडी ने 224 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट का ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में जमा कराया गया है। ये 7वीं चार्जशीट है। अब तक 1 मुख्य और 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में के कविता समेत कुछ लोगों के नाम है। माना जा रहा था कि ईडी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम भी चार्जशीट में शामिल करेगी। फिलहाल इस पर सस्पेंस है। 13 मई को सुनवाई के दौरान चार्जशीट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, आज शाम थम जाएगा चौथे चरण के प्रचार का शोर। 13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। आज शाम को चौथे चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। 13 मई को चौथे चरण में 10 राज्यों और 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इस चरण में जिन दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी, उनमें तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवीलता, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कन्नौज से एमपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, बहरामपुर से अधीररंजन चौधरी और यूसुफ पठान का नाम शामिल है। कांग्रेस की मानसिकता देश तोड़ने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से निशाना साधा गया। कांग्रेस भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानती। कांग्रेस देश को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ने वाली मानसिकता के साथ बोल रही है। ये लोग भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, इसलिए आपको कांग्रेस से, इंडी अलायंस से बहुत सतर्क रहना है। उधर तेलंगाना के भोंगीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत फिर आई,
तो संविधान खत्म हो जाएगा। बीजेपी का एक सीट तेलंगाना में नहीं आना चाहिए। अगर आया तुम्हारा लोकतंत्र खतरे में है, अगर आया तो हमारे जो संविधान है वो खत्म हो जाएगा। अगर वो फिर हुकूमत में आया तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स चले जाएं। आजादी कांग्रेस ने दिलाई, तुम बीजेपी वालों का कुछ भी नहीं। इनके घर में एक आदमी भी नहीं मरा देश के लिए। और वहीं राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी से वो डिबेट करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी मुझसे डिबेट नहीं करना चाहेंगे, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सार्वजनिक बहस के लिए इनविटेशन भेजा था। लेटर में कहा गया था कि इससे संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। संदेश खालीपाट इवनर भारतवर्ष से बोले गृह मंत्री अमित शाह, टीएमसी का पैटर्न है पहले जुर्म करो और फिर इसको छुपाओ। संदेश खालीपाट, ममता को शर्म आनी चाहिए, अमित शाह की तरफ से निशाना साधा गया। तृणमूल कांग्रेस की पैटर्न रही है पहले जुर्म करो और बाद में जुर्म को जुटलाने के लिए जिन पर जुर्म हुआ है उस पर और जुर्म करो। संदेश काली, ये शर्मनाक घटना है, हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए। आज आपके रैली में तृणमूल ने मांग किया है समाज जांचना चाहिए। देखिए, हाईकोर्ट भी जुटी है, सीबीआई भी जुटी है, इतनी सारी महिलाएं जुटी है और सिर्फ तृणमूल वाले सच्चे हैं, बंगाल की जनता सच जानती है। अमित शाह ने टीएमसी पर हमला बोला, टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण, माफिया, भ्रष्टाचार। टीएमसी के नारे मां माटी मानुष पर भी अमित शाह ने तंज कसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण, माफिया और करप्शन बताया। उन्होंने लोगों से अपील की। शाह ने इस दौरान टीएमसी के नारे मां माटी मानुष को लेकर भी तंज किया। ये नारे के साथ ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और देखते देखते तुष्टीकरण में मां माटी और मानुष का नारा मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गया। उधर टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने संदेश खाली को लेकर बंगाल को बदनाम कर दिया। संदेश खाली में दो महिलाओं के रेप की शिकायत वापस लेने के बाद टीएमसी भी बीजेपी पर हमलावर है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली को लेकर जिस तरह बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो अब तक की सबसे शर्मनाक घटना है। हमने गोधरा और पुलवामा की साजिश के बारे में सुना था, लेकिन संदेश खाली हमने देखा है। हमने भाजपा को श्वेत पत्र प्रकाशित करने को कहा था, लेकिन उन्होंने श्वेत पत्र तो प्रकाशित नहीं किया, बल्कि श्वेत पत्र पर महिलाओं से झूठी शिकायतें महिला आयोग सीबीआई को भिजवाई। हमने पहले ही कहा था कि संदेश खाली की घटना मनगढ़ंत है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीएमसी पर संदेश खाली की महिलाओं को परेशान करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को लिखे खत में कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता धमकी देकर संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आयोग ने मामले की जांच की मांग भी की है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली की महिलाओं के कई कथित वीडियो साझा किए थे, जिनमें दावा किया गया था कि बीजेपी की एक स्थानीय नेता ने कई महिलाओं से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए और बाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने में उसका इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र की अमरावती सीट से प्रत्याशी नवनीत राणा ने एक वीडियो को जारी करके असदुद्दीन ओवैसी पर बयान, उन्हें जवाब दिया है और चुनौती भी दिया। देखिए क्या कहा गया नवनीत राणा। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पर बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े,
कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माझी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। इससे पहले आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर कहा था कि छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तोप है और उन्हें केवल वो ही समझा सकते हैं। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हो, छोटे को बहुत रोक के रखा हो। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं आराम कर दो, तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से, और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेठी से हमारा रिश्ता सेवा और शहादत का है, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा भले ही कोई कैसी भी राजनीति करे। सेवा का रिश्ता है और शहादत का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है और खून का रिश्ता है, ये कभी नहीं टूटेगा। यहाँ आपका कोई भी सांसद बने, यहाँ कोई भी किसी भी तरह की राजनीति करे, हमारे बारे में आपको 2000 झूठ बोल के चले जाए, आप उन झूठों का विश्वास भी कर लो, ये रिश्ता फिर भी नहीं टूटेगा। ये मेरे पिताजी की कर्म भूमि है, मैं इस भूमि को भी पूछती हूं। चंडीगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब चमड़ी के आधार पर देश को बांटने की तैयारी कर रही है। अभी वो पित्रोदा साहब है, वो राहुल गांधी के सुपर सलाह है, दुनिया में कहीं भी जाए तो साथ में होता है सैम पित्रोदा। उसने क्या कहा, भारत एक ऐसा देश है जिसमें पूर्वोत्तर में जो रहते हैं उनके चेहरे चाइनीज जैसे दिखते हैं, जो पश्चिम में रहते हैं वो अरबी दिखते हैं, जो उत्तर में रहते हैं वो अंग्रेज दिखते हैं, और जो साउथ में रहते हैं वो अफ्रीकन दिखते हैं। यानी अब चमड़ी के आधार पर भेद करो बेटा, देश को बांटो बेटा। इंडिया अलायंस के नेताओं ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने की मांग। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की। मुलाकात में नेताओं ने 7 पन्नों का ज्ञापन सौंपा। लेटर में आरोप लगाया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। That 11 complaints by the Congress alone and in total more than 15-20 complaints by all parties put together against the honorable prime minister, against the honorable home minister, starting, mind you, from April, early to early April, 6th April is the first one, 2024, have not been addressed, no action has been taken. नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। क्या कहा गया उनकी तरफ से, आप देखिए इस रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक ये महात्मा गांधी का देश है, विभाजित नहीं होगा। ये हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, मगर हिंदू और मुसलमान बांटेगा नहीं। ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान नहीं है, ये गांधी का हिंदुस्तान, जवाहरलाल का हिंदुस्तान, ये राजेंद्र प्रसाद का हिंदुस्तान। इधर बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अदालत ने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत है। कोर्ट ने ब्रिजभूषण के खिलाफ धारा 354 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 354 ए यानी यौन उत्पीड़न और धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। ब्रिजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। आरोपों पर 21 मई को बहस होगी।
महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आरोप तय होने के बाद क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है, और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। ऑप्शन खुले हैं, इस प्रकरण को फेस किया जाएगा। उधर महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि न्याय की लड़ाई में हम कुछ आगे बढ़ पाए। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर खुशी जताई है। साक्षी ने एक्स पर लिखा, माननीय न्यायालय ने ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं, हम माननीय अदालत का धन्यवाद करते हैं। हमें कई रात गर्मी बारिश में सड़क पर सोना पड़ा, अपना अच्छा खासा करियर त्यागना पड़ा, तब जाकर आज न्याय की लड़ाई में कुछ कदम आगे बढ़ पाए हैं। जिन लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया उनका दिल से आभार, और जिन्होंने ट्रोलिंग और घटिया बातें की भगवान उनका भी भला करे। कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना केस के विसल ब्लोअर पर ही अब यौन शोषण का आरोप लगा है। उनके खिलाफ 1 अप्रैल को FIR दर्ज की गई। कर्नाटक के हासन से बीजेपी नेता जे देवराजे गौड़ा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। देवराजे गौड़ा वही नेता हैं। इन्होंने ही जेडीएस के साथ गठबंधन होने से पहले ही बीजेपी नेताओं को खत लिखकर प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के कथित यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामला तब सामने आया जब एक महिला ने आरोप लगाया कि जी देवराजे गौड़ा सहित कुछ लोगों ने उसे फिजिकली हैरेस किया और धमकी दी। देवराजे गौड़ा पेशे से वकील हैं। उनके खिलाफ 1 अप्रैल को FIR दर्ज की गई थी। इधर मुजफ्फरनगर के SSP ने नए दारोगाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग का आदेश दिया है। ये सभी दारोगा निरीक्षण के दौरान AK-47 को ठीक तरीके से खोल नहीं पाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस के कुछ दारोगा हथियार चलाने यानी एंटी राइट इक्विपमेंट हैंडलिंग में उस समय फेल हो गए जब जिले के SSP अभिषेक सिंह थाने के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। SSP ने थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से जब AK-47 पिस्टल जैसे हथियारों को हैंडल करने को कहा तो कई नए दारोगा AK-47 को ठीक तरीके से खोल नहीं पाए। इसके बाद SSP अभिषेक सिंह ने इन सभी पुलिसकर्मियों को 1 दिन की ट्रेनिंग के आदेश दिए जिससे ये सभी इन हथियारों को अच्छे से हैंडल करना सीख सकें। राजस्थान के भीलवाड़ा पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। आरोपी पुलिसकर्मियों पर आरोपी से दाढ़ी के बाल नुचवाने का आरोप लगा है। ये राजस्थान की भीलवाड़ा पुलिस का अमानवीय चेहरा है जो उस समय उजागर हो गया जब एक बदमाश को सड़क पर बैठाकर पुलिसकर्मी उसे खुद की दाढ़ी नोचने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, SHO ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले में SHO को लाइन हाजिर, ASI और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भीलवाड़ा की प्रतापनगर पुलिस ने 8 मई को मारपीट के इस आरोपी को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान उसके साथ ऐसा मानवीय बर्ताव किया था। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के तरन तारण में लगी भीषण आग, भगतवाला में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई है। देखिए पंजाब से खबर है, पंजाब के तरन तारण में भीषण आग की खबर है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, भगतवाला में कूड़ा डंपिंग यार्ड ये बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है। तरनतारन से खबर सामने आई है, कूड़ा डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई है। आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है लेकिन आग ने एक बड़े दायरे को अपनी चपेट में ले लिया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। और देखिए मौसम को लेकर बड़ी खबर है, अगले 3 घंटे 3 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसके साथ साथ राजस्थान में अगले 3 घंटे बारिश का अलर्ट है। और वहीं देर रात दिल्ली NCR में हुई बारिश की वजह से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली वहीं तेज आंधी की वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी।
दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात अचानक से मौसम में आए बदलाव की वजह से धूल भरी आंधी के साथ काफी तेज रफ्तार से हवाएं चली। हल्की बारिश की वजह से तापमान से गिरावट दर्ज की गई। हालांकि धूल भरी आंधी चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगह पेड़ उखड़ कर गिरे जिससे लंबा जाम लग गया। साथ ही कई इलाकों में बिजली कटने की भी शिकायतें सामने आई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भी आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी के बाद हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम खराब हो जाने के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली 9 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। इधर शुक्रवार की रात आए भवंडर की वजह से यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में काफी नुकसान हुआ है। कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं पर कारें डैमेज हो गई। देर रात आई तेज आंधी और बवंडर की वजह से दिल्ली के आसपास भी काफी नुकसान हुआ। तेज हवाओं के कारण नोएडा सेक्टर 58 की एक इमारत की मरम्मत के लिए लगाई गई शटरिंग उड़ गई, जिससे कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई। गाजियाबाद में हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज अंधड़ के चलते पूरे जिले में कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ कर गिर गए। कई जगहों पर रात भर पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम जारी रहा। कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित रही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा की इमरजेंसी बैठक में फिलिस्तीन के पक्ष में 143 देशों ने वोट किया। प्रस्ताव के खिलाफ 9 देशों ने वोट किया, जबकि 25 देशों ने वोट नहीं डाला। ये प्रस्ताव अरब समूह की तरफ से लाया गया था। समर्थन करने वालों में भारत भी शामिल रहा। प्रस्ताव में कहा गया कि यूएन के नियम के मुताबिक फिलिस्तीन सदस्य बनने के लिए योग्य है। फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य देश के रूप में यूएन में शामिल किया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद से इस मामले पर एक बार फिर से विचार करने की अपील की गई। बड़ी खबर, कानपुर के कैंट में सीएम योगी की जनसभा। बाबूपुरवा के सेंट्रल पार्क में करेंगे जनसभा। और एक बड़ी खबर है, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले अनुराग ठाकुर ने आज घर में कन्या पूजन किया। कन्या पूजन के साथ शुरुआत की है, मां के आशीर्वाद के साथ, और अब अपनी कुल देवी अवा देवी के मंदिर जाकर अपनी लोकसभा क्षेत्र के ऐसी देवी देवताएं जिन लाखों मतदाताओं के कारण मुझे 4 बार लोकसभा में जाने का अवसर मिला, 5वीं बार उनका आशीर्वाद लेने निकला हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है मोदी जी के किए काम, हमारा क्षेत्र का विकास, इन सब से एक बड़ी जीत की ओर हम अग्रसर होंगे।